hello students welcome to youtube channel physics quantum classes by oj kumar in this video which is part 4 of chapter 14 semiconductor semiconductor electronics of class 12 we will discuss a very important topic for examination point of view which is pn junction diode biasing of pn junction diode pn junction diode under forward bias and reverse bias and finally voltage current characteristics that is vi characteristics ऑफ पी एंजक्शन डायोड इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहा हूं, जो पूरे देश भर में जितने बोर्ड्स हैं उनकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पी एन पीएन पी एन डायोड पी एन संधि डायोड जिसे हिंदी में कहा जाएगा पी एन संधि डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग तथा रिवर्स बायसिंग तथा अंत में पी एन संधि डायोड का वोल्टेज धारा वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स या वोल्टेज धारा ग्राफ सबसे पहले are, Johnson, पी एन जंक्शन डायोड, व्हाट इज पी एन जंक्शन डायोड, इफ मेट्रिक कॉन्टैक्ट्स आर इफ मेट्रिक कॉन्टैक्ट्स आर प्रोवाइडेड एट बोथ इंड्स ऑफ पी एन जंक्शन इट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। यदि पी एन जंक्शन या पी एन संधि के पी तथा एन सिरे जो पी तथा इन साइड होता है पी एन जंक्शन का तो उसके पी तथा एन सिरे को धात्विक संपर्क करा दिया जाए जिससे कि उसे बैटरी से उसके दोनों सिरे को उस धात्विक कांटेक्ट के क्रॉस पी एन जंक्शन को बैटरी से जोड़ा जाए डीसी बैटरी से जोड़ा जाए तो इसे पी एन संधि डायोड कहा जाता है और पी एन संधि डायोड टू टर्मिनल डिवाइस है जैसा कि डायोड वॉल्व पहले डायोडल वॉल्व का, का यूज होता था तो डायोड वॉल्व के डायोड वॉल्व में भी एनोड तथा कैथोड वहाँ भी दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं डायोड वॉल्व में भी तो पी एन जक्सन डायोड भी टू टर्मिनल डिवाइस है जो डायोड वॉल्व के समान ही काम करता है मतलब डायोड वॉल्व में यूनी डायरेक्शनल करेंट का फ्लो होता था मतलब कैथोड से एनोड की तरफ कैथोड को गर्म करने पर उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते थे तथा तो इनोट की तरफ इनोट जो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है धन प्लेट होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं डायोड वॉल्व में तो इस प्रकार केवल करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैथोड से इनोट की तरफ जिसके कारण डायोड वॉल्व के परिपथ में सर्किट में करंट का फ्लो केवल एक डायरेक्शन में होता था कैथोड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इनोट की तरफ इनोट से कैथोड की ओर नहीं उसी ढंग से पी इंजक्शन डायोड में भी करंट का फ्लो केवल फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है रिवर्स बायसिंग में लीकेज करंट फ्लो करता है रिवर्स बायसिंग में निग्लिजिबल करंट फ्लो करता है लीकेज करंट जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैरियर्स अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है जो अल्पसंख्यक वाहक आवेश पी रीजन से रीजन में तथा रीजन से पी रीजन में क्रॉस कर जाते हैं पी एन संधि से होकर तो उसके कारण उसके कारण रिवर्स बायसिंग पी एन पी एन के रिवर्स वाइसिंग में लीकेज करंट का फ्लो होता है तो कुल मिलाकर के पी एन डायोड में भी करंट का यूनिट डायक्शनल फ्लो होता है और इसीलिए देयर फॉर पी एन जंक्सन एज ए डायोड वाल्व इसलिए पी एन जंक्सन को भाल्व भी कहा जाता है क्योंकि डायोड भाल्व के समान पी एन जंक्शन डायवुड में भी यूनी डायरेक्शनल करंट का फ्लो होता है केवल एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है और वह फॉरवर्ड वाइसिंग के केस के में करंट का फ्लो इसमें लार्ज करंट फ्लो होता है जबकि रिवर्स वायरसिंग में लीकेज करंट फ्लो होता है लेकिन करंट का अचानक सडनली करंट उसमें पी एन जंक्शन डायवुड में भी रिवर्स वायरसिंग के केस में अचानक करंट इंक्रीज करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज पर भंजन वोल्टेज पर जहाँ की पी जंक्शन डायोड के पी तथा इन रीजन में पीएन जंक्शन पर पीएन संधि पर बहुत से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं जिसके कारण लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस होते हैं और उसके कारण काफ़ी लार्ज नंबर लार्ज नंबर्स में चार्ज कैरियस प्रोड्यूस होते हैं कोवायलेंट बॉन्ड्स पी जंक्शन पर कोवैलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक करने कारण, के कारण टूटने के कारण जब बाउंड ब्रेक करता है तो उसके कारण सडन इनक्रीजिंग करंट होता है भंजन वोल्टेज पर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर और रिवर्स वायस में भी उत्क्रम धारा बहने लगती है रिवर्स करेंट उसे रिवर्स करेंट कहा जाता है लेकिन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के पहले रिवर्स वाइसिंग में नगण्य करेंट निग्लिजिबल करंट फ्लो करता है फ्लो करंट अगर करंट का फ्लो होता भी है तो वह लीकेज वह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के पी तथा इन रीजन में पी uh, रीजन से एन रीजन में और एन रीजन से पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो करने के कारण होता है पी टाइप में जैसे कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या कम होती है तो एन टाइप सेमी कंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप सेमी कंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होता है जबकि पी टाइप सेमी कंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है तो मल्टी चार्ज कैरियर्स के जंक्शन से पार हो जाने के कारण क्रॉस करने के कारण एन रीजन से पी रीजन में तथा तो पी रीजन से एन रीजन में तो उसके कारण एक्सटर्नल सर्किट में बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है निग्लिजिबुल करंट या उसे लीकेज करंट कहा जाता है जो कि रिवर्स वायरसिंग में होता है तो कुल मिलाकर के पी एन जंक्शन डायोड में भी यूनी डायरेक्शनल करेंट फ्लो होता है फॉरवर्ड वायरसिंग के करंट में अथी फॉरवर्ड वायरसिंग के केस में अभिनति के केस में जब फॉरवर्ड अथी फॉरवर्ड वाइसिंग में पी एन जंक्शन डायोड के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो उसी स्थिति में जंक्शन से होकर के डिप्लेशन लेयर जंक्शन पर जो डिप्लेशन लेयर और अक्षय परत का निर्माण होता है पी एन जंक्शन डायोड में पीएन जंक्शन में तो अक्षय परत डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई वीड से घटती है और पोटेंशियल वैरियर भी की हाइट भी काफ़ी कम हो जाती है और जिसके कारण पी क्षेत्र के होल्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा रिपेल होकर के जंक्शन की तरफ आते हैं और जंक्शन से पार कर जाते हैं जबकि इन टाइप्स के इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर जंक्शन के इन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के निगेटिव टर्मिनल द्वारा रिपेल होकर के जंक्शन की तरफ जाते हैं और जंक्शन को पार कर जाते हैं और इस प्रकार एक्सटर्नल सर्किट में लार्ज करेंट फ्लो होता है जिसका ऑर्डर मैग्नीश्यूड मिली एम्पियर में होता है जिसे मिली एम मीटर के द्वारा मेजर किया जा सकता है तो ये फॉरवर्ड वायसिंग का केस हो गया और रिवर्स वायरसिंग के केस में पी एन जंक्सन डावोड के रिवर्स वायरसिंग के केस में और पी एन जंक्शन के डाइवोड का फॉरवर्ड वायरसिंग तथा रिवर्स वायरसिंग तभी किया जा सकता है जब उस पी एन जंक्सन के दोनों किनारे दोनों सिरे पी साइड और एन साइड को धात्विक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया जाए माने धात्विक मेटल मेटल कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड किया जाए so if metal contacts are provided uh, at uh, both ends of uh, pn junction uh, it is called it uh, it is called pn junction diode and if metal con metallic contacts are provided at both ends of a of pn junction then uh, we can apply voltage we can join pn junction diode uh, pn junction diode through dc battery that is we can apply voltage to reduce the potential barrier टू रोड्यूस द पोडेंशियल वैरियर दैट इज पोडेंशियल डिफ्रेंस सेटअप अक्रॉस द पी एन जंक्सन तो इस प्रकार सबसे पहले पी एन जंक्सन डाइवड को हमने देखा कि अगर पी एन जंक्सन डाइवर्ट क्या है इफ़ राइट डाउन पी एन जंक्सन फर्स्ट एज टॉपिक इज पी एन जंक्सन डाइवुड सबसे पहले हम पी एन जंक्सन डायवुड जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया उसको आप नोट करनाएं इफ मेटलिक कॉन्टैक्ट्स मेटलिक कॉन्टैक्ट्स आर प्रोवाइडेड मेटलिक कॉन्टैक्ट्स का मतलब धातु धातुक संपर्क धातु का ले धातु का लेयर पी साइड तथा इन साइड के दोनों इंस पर अगर लगा दिया जाए चढ़ा दिया जाए तो इसे मेटलिक कॉन्टैक्ट्स कहा जाता है जिससे कि पी एन जंक्सन को ये पी एन जंक्सन डाइवर्ट को पी एन जंक्शन डायोड हो गया अगर मेटली कॉन्टैक्ट्स पी साइड तथा इन साइड के दोनों साइड में को मेटली कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड किया जाए धात्विक संपर्क तो उस आ, और ये जरूरी है कि आ, अगर वोल्टेज अप्लाई करना है बाइसिंग करनी है बाइसिंग का मतलब वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज डीसी वोल्टेज अप्लाई करना पीएन जंक्शन के क्रॉस उसे बाइसिंग कहा जाता है बाइसिंग जिसे हिंदी में अभिनति कहा जाता है तो बाइसिंग का मतलब है पीएन जंक्शन के क्रॉस पीएन जंक्शन के दोनों इंड्स के क्रॉस दोनों सिरों के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करना बाहरी वोल्टेज अप्लाई करना या बाहरी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना जिससे कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम हो जाए पीएन जंक्शन पर और पोटेंशियल बैरियर का भी हाइट कम हो जाए जिससे कि होल्स तथा इलेक्ट्रॉन जो कि डिप्लेशन लेयर हो गया है जहाँ पर कि ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स जमा हो गए हैं पीएन संधि के दोनों साइड में तो उसके उसे कम करना है उसके व्रत को डिप्लेशन लेयर के व्रृत को कम करना होगा और पोटेंशियल बैरियर की हाइट को भी कम करना होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को भी घटाना होगा जिससे कि पी साइड के होल्स तथा इन साइड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट रीजन्स में क्रॉस कर सकें और एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो सके तो इसे फॉरवर्ड वाइसिंग कहा जाता है लेकिन उसके पहले आप नोट करें पी एन डायोड इफ मेटलिक कॉन्टेक्ट्स आर प्रोवाइडेड आर प्रोवाइडेड एट बोथ साइट्स बोथ साइट्स ऑफ पी एन जंक्शन पीएन संधि के दोनों ओर मेटलिक कॉन्टैक्ट्स धात्विक संपर्क अगर कराया जाता है तो इसे पीएन जंक्शन डायवर्ट कहा जाता है इट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। इफ मेटलिक कॉन्टेक्ट्स आर प्रोवाइडेड एट बोट थीम्स बोट साइट्स ऑफ पीएन जंक्शन देन इट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड पी एन जंक्सन बिकॉज वी कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस पी एन थ्रो मेटलिक कॉन्टेक्ट्स मेटलिक कॉन्टैक्ट्स अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो उसे दोनों इंच को पी साइड तथा इन साइड को uh, बैटरी से जोड़ करके बाहरी विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या uh, बाहरी वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है पोटेंशियल डिफेंस अप्लाई किया जा सकता है विवांतर अप्लाई uh, आरोपित किया जा सकता है और इसे बाइसिंग कहा जाता है इसे पी एन जक्शन डायोड की बाइसिंग कहा जाता है इट इज कॉल्ड पी एन जक्शन डावोड पी एन जैक्सन डायोड जिसे डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये पी साइड है पी एन जंक्शन बीच में जंक्शन है पी साइड और एन साइड का कांटेक्ट और यहाँ साइड में मेटली कांटेक्ट ये देखिए साइड है पी साइड है ये ये पी टाइप है और ये एन टाइप है तो ये पी साइड है पी साइड में होल्स होंगे ये होल्स हैं जिसको कि सर्किल से रिप्रेजेंट किया गया है और इलेक्ट्रॉन को डैश से रिप्रेजेंट किया गया है इलेक्ट्रॉन्स को डैश सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है और यहीं पर ये पी साइड में जंक्शन के पार ये जंक्शन है पी एन जंक्सन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर जाता है इन साइड का इलेक्ट्रॉन और इधर पी एन जंक्सन के इन साइड में पी एन जंक्सन के इन साइड वाले रीजन में पी टाइप का होल डिफ्यूज कर जाता है इस प्रकार एक मोबाइल ई मोबाइल चार्ज कैरियर का लेयर जमा हो जाता है पी एन जंक्सन के ये पी एन जंक्शन हो गया पी एन दिस इज पी एन जंक्सन यहाँ पी टाइप और एन टाइप से कंडक्टर दोनों कॉन्टैक्ट में है जिस जगह पर वो पी एन जंक्सन कहलाता है इट इज पी एन जंक्सन और यहाँ मेटलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया गया है यहाँ दोनों इंच पर देखिए यहाँ और इसको अब मेटलिक कॉन्टैक्ट के कारण क्या होगा यहाँ भी मेटली कॉन्टैक्ट है यहाँ भी धात्विक संपर्क है पी साइड के सिरे में और फिर एन साइड के सिरे में ये मेटली कॉन्टैक्ट है अब इसे हम टर्मिनल से यहाँ से दो टर्मिनल दो वायर निकाल सकते हैं यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं दो वायर और उसको बैटरी से जोड़ा जा सकता है इस प्रकार उसे पी एन जंक्शन डायोड की बाइसिंग कहा जाएगा वोल्टेज अप्लाई करने के लिए दैट इज कॉल्ड बाइसिंग बाइसिंग का मतलब पी एन जंक्शन डायोड के दोनों मेटली कॉन्टैक्ट्स यहाँ मेटली कॉन्टैक्ट है ये धात्विक संपर्क मेटली कॉन्टैक्ट पी साइड के पी साइड में पी साइड का जो एक्सट्रीम है जो सिरा है पी साइड का और यहाँ इन साइड का सिरा है यहाँ पर भी मेटली कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया गया यहाँ भी मेटली कॉन्टैक्ट मेटली कॉन्टैक्ट यहाँ भी प्रोवाइड किया गया तो इस प्रकार ये पी एन डायोड हो गया दिस फिगर रिप्रेजेंस फिगर वन ए रिप्रेजेंट पीएन जक्शन डायोड अब यहाँ से दोनों मेटली कॉन्टेक्ट पी एन जक्शन के दोनों साइड में मेटली कॉन्टैक्ट प्रोवाइड हो गया तो यहाँ इसे वायर से जोड़ करके बैटरी एक्सटर्नल इसको बाहर वायर से जोड़ करके पोटेंशियल इफेंस सप्लाई करने के लिए बैटरी से जोड़ा जा सकता है जिसे बाइसिंग ऑफ पी एन डायोड कहा जाता है पी एन जंक्सन ये पी एन जंक्सन हो गए को तो रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर डायोड और पी एन डायोड के सिंबल को हम सिंबल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एरो दे करके एरो दिस इज एरो जेंट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंसनल करेंट एरोजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरोज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंसनल करंट को रिप्रेजेंट करता है और कन्वेंसनल करेंट का फ्लो जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव मैट्रिक या पॉजिटिव से निगेटिव इनकी ओर होता है मतलब पोटेंशियल uh, डिफ्रेंस जो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में पॉजिटिव टू निगेटिव तो एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंसनल करेंट कन्वेंसनल डायरेक्शन है जो करेंट का उसी के ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर एक ये इसके एरो पर जो टिप है ये टेंगिल यहाँ टेंगल का सिंबल जो कि एरो है और यहाँ पर एरो के इस इंड पर एक वर्टिकल लाइन एरो देकर के और एरो के टिप पर वर्टिकल लाइन तो ये सिंबल हो गया पी एन जंक्शन डायोड का दिस इज द सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड एंड हेयर एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करेंट को ये रिप्रेजेंट करता है और ये पी ये पी टाइप पी साइड को रिप्रेजेंट करता है और जो वर्टिकल लाइन है वह एन को रिप्रेजेंट करता है एन टाइप को रिप्रेजेंट करता है पी टाइप सेमी कंडक्टर को ये एरो रिप्रेजेंट करता है पी एनजंक्शन डायोड के सिंबल में जो एरो है वह पी साइड पी टाइप सेमी कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है और जो वर्टिकल लाइन है वह एन टाइप सेमी को रिप्रेजेंट करता है दिस इज द सिम्बॉल ऑफ पी एन डायोड डाइवड सिम्बॉल ऑफ पीएन जनसन डायोड नाउ वायसिंग ऑफ पीएन जंक्सन डायोड जैसा कि मैंने बताया वायसिंग का मतलब होता है पीएन जंक्सन डायोड के दोनों साइड्स में जो मेटली कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसके क्रॉस वायर जोड़ करके उसे बैटरी से जोड़ना मतलब इस पी साइड तथा इन साइड के क्रॉस पोटेंशियल डिफेंस अप्लाई करना या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना जिससे कि जंक्शन के पास यहाँ जंक्शन पर जो डिप्लेशन लेयर है यह डिप्लेशन लेयर का व्रर्थ है इस डिप्लेशन लेयर का व्रिरथ की चौड़ाई का वृथ घटे और जो पोडेंशियल डिफेंस सेटअप हो गया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इधर पी से इन साइड से पी साइड इन साइड में चूंकि होल्स है तो ये ये प्लस हो जाएगा डिप्रेशन लेयर के कारण और इधर माइनस हो जाएगा इधर निगेटिव इलेक्ट्रॉन है पी एन जंक्सन के लेफ्ट साइड में और यहाँ होल्स पी एन जंक्सन के पास तो एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह डेवलप हो जाएगा पी एन जंक्सन पर और उसका डायरेक्शन होगा एन साइड से एन टाइप पी एन जंक्सन में एन एन से ए, एन टाइप सेमी कंडक्टर से पी ए, पी साइड पी साइड पी टाइप सेमी कंडक्टर की ओर तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही हो, हो जाएगा ये होल्स जो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस साइन जो है ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है और होल्स को होल्स वैकेंसी है वैकेंसी क्रिएटेड बाई इलेक्ट्रॉन तो वह पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इस डिप्रेशन लेयर के कारण पी एन जंक्सन के पी एन जंक्सन पर पी एन जंक्सन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है जिसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है जिसे पिछले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था तो बायसिंग ऑफ ए बायसिंग ऑफ पी एन जंक्सन डाउट क्या है बायसिंग ऑफ जंक्शन डायोड पी एन पी एन जंक्शन डायोड।, डायोड। बायसिंग क्या है टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ मेटलिक कॉन्टेक्ट्स अक्रॉस मेटलिक कॉन्टेक्ट्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड बाइसिंग तो टू अप्लाई और ऐसा करने के लिए बैटरी से जोड़ना होगा दोनों पी एन जंक्शन डायोड को के दोनों मेटलिक कॉन्टेक्ट के क्रॉस बैटरी जोड़ करके पोटेंशियल डिफेंस अप्लाई करना होगा और इसे बाइसिंग कहा जाता है टू अप्लाई और बाइसिंग क्यों किया जाता है जो डिप्लेशन लेयर है उसके वेट को कम करने के लिए और पोटेंशियल बैरियर जो डेवलप पी एन जंक्सन के क्रॉस प्रोड्यूस होता है तो पोटेंशियल बैरियर को के हाइट को भी या उसके वैल्यू को कम करने के लिए जिससे कि पी टाइप से होल्स का फ्लो पी टाइप से होल्स का डिफ्यूजन इन साइड में और इन टाइप साइड से इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन पी uh, साइड में आसानी से हो और एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर सके तो इसके लिए बायसिंग किया जाता है तो टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस पी डी द दैटलिक कॉन्टैक्ट्स एक बोथ मेटलिक कॉन्टैक्ट्स एट पी साइड्स एंड एन साइड द देशलिक कॉन्टैक्ट्स मेटलिक कॉन्टैक्ट्स धात्विक संपर्क अप्लाई पोडेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेटलिक कॉन्टेक्ट ऑफ पीएन जंक्सन डायड ऑफ एन जंक्शन डायडन जंक्सन डायड इज कॉल्ड बायसिंग बायसिंग जिसे हिंदी में अभिनती कहा जाता है अभिनती मीनस वोल्टेज अप्लाई करना पीएन जंक्शन के क्रॉस पोडेंशियल डिफरेंस विवांतर आरोपित करना जिससे कि पीएम संधि पर जो अक्षय परत है डिप्रेशन लेयर है उसकी चौड़ाई घट जाए तथा तो पोटेंशियल बैरियर की कविरथ पोटेंशियल बैरियर का, का हाइट घट जाए या पोटेंशियल जो डिफरेंस जो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है जिसके इंटरनल इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस इंटरनल इन, इन, इलेक्ट्रिक फील्ड पी जंक्शन के क्रॉस जो प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस होता है उसके कारण पोटेंशियल डिफ्रेंस सेटअप हो जाता है पी जंक्शन के दोनों साइड में डिप्रेशन लेयर के कारण तो उसके वैल्यू को घटाया जा सके और ये जो डिप्रेशन लेयर है डिप्लेशन लेयर का जो वर्थ है डी उसकी चौड़ाई को भी घटाया जा सके जिससे कि पी टाइप से होल्स का डिफ्यूजन इन साइड में और इन साइड के इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन पी साइड में आसानी से हो सके तो इस प्रोसेस को वाइसिंग कहा जाता है वाइसिंग भी पी एनजक्शन डायोड का दो प्रकार दो टाइप का होता है फॉरवर्ड वाइसिंग फॉरवर्ड वायस पी एन डायोड एंड रिवर्स वायस पी पी एन डाय पी एन जंक्शन डायविड या फिर फॉरवर्ड वाइसिंग ऑफ पी एन डायोड एंड रिवर्स वाइसिंग ऑफ पी एनजक्शन डायोड नाउ पी एन डायोड एज फॉरवर्ड अंडर फॉरवर्ड बायस डेट इज फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पी एन जक्सन डाइवड पी एन डायोड की अग्रभ उन्नति फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है कि जब पी एन डायोड के पी साइड को पी सीरे को डीसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तथा तो एम साइट को बैटरी के डीसी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो इस अरेंजमेंट को या इस ढंग से पी एन डायोड के एक्रॉस एक या पीएन संधि पीएन संधि डायोड के सिरों पर इस ढंग से भी आरोपित किया जाए ताकि पीएन संधि डायोड का पी सिरे को बैटरी के धन से जोड़ा जाए तथा इन साइड को बैटरी के ऋण ध्रूप से जोड़ा जाए तो इस ढंग से पीएन संधि डायोड पीएन जंक्शन डायोड के एक्रॉस विभवान्तर या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की प्रक्रिया को प्रोसेस को पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है डैट इज फॉरवर्ड वाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड तो इसे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि पी एन डायोड है पी साइड और बीच में जंक्शन है पी साइड और एन साइड के कांटेक्ट में ये पी एन जंक्शन है बीच में पी साइड्स में होल हैं होल्स हैं जिसे सर्किल द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है जबकि इलेक्ट्रॉन को माइनस साइन के द्वारा डैश द्वारा माइनस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर डिप्लेशन लेयर है जिसका वेट्स काफ़ी कम हो जाएगा फॉरवाइसिंग के केस में और पी एन के क्रॉस पी एन जंक्शन के लेफ्ट साइड में पी साइड रीजन में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन और एन रीजन में पी एन के पार दाई पी एन जंक्शन के दाई ओर, राइट साइड में पी साइड का होल्स डिफ्यूज कर जाएगा और इस प्रकार डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ लेकिन जब हम इसके मेटली कॉन्टैक्ट्स पी एन जंक्शन के दोनों साइड को मेटली कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड किया जाए अगर पी साइट्स तथा पी, पी टाइप तथा इन साइड एन टाइप्स पी एन जंक्सन के पी साइड तथा इन साइड मतलब इसके दोनों सिरे पर अगर धात्विक कॉन्टैक्ट धात्विक संपर्क अगर बनाया जाए तो इस धात्विक संकर्ष संपर्क त, ये मेटली कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करने से क्या होगा इसे बैटरी से जोड़ने में आसानी हो जाएगी वायर के द्वारा बैटरी से जोड़ा जा सकता है इसके दोनों मेटलिक कॉन्टैक्ट्स को पी एन जंक्शन के डायोड के और अगर पी साइड को अगर जोड़ दिया जाए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये बैटरी का प्लस है जो वर्टिकल लाइन है बिग वर्टिकल लाइन बैटरी का सिंबल यही है बैटरी का सिंबल दो पैरल लाइन एक एक, एक बिग लाइन दूसरा स्मॉल लाइन तो बिग लाइन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल वर्टिकल लाइन वह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है अगर करंट ज़्यादा फ्लो कराना है तो एक से अधिक बैटरी कनेक्ट किया जा सकता है हाई टेंशन बैटरी एक से ज़्यादा बैटरी इसे हाई टेंशन बैटरी कहा जाता है जब एक से अधिक बैटरी नंबर ऑफ सेल्स को अगर ज्वाइन करते हैं जिससे कि अधिक करंट लिया जाए सर्किट में हाई टेंशन बैटरी होगा और यहाँ इसको इस कर इसमें जो करंट मेजर होगा उसको मेजर करने के लिए एक यहाँ मिली एमीटर यहाँ मिली एमीटर क्योंकि मिली एमर में करंट फ्लो करता है इसमें फॉरवर्ड वाइसिंग में तो एक मिली एमपियर मिली एमीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया गया इस सर्किट में और तो इस प्रकार से ये बैटरी का पी साइड का पी साइड के पी साइड के लेफ्ट में जो पी साइड के जो इंड में मेटलिक कांटेक्ट है उसको जोड़ दिया गया मतलब पी साइड को कनेक्ट कर दिया गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जबकि एन साइड को एन साइड का जो मेटलिक कांटेक्ट है एन साइड के सिरे में जो धात्विक संपर्क है मेटलिक कांटेक्ट उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से क्रिएट कर दिया गया मतलब पी टाइप को मतलब पी टाइप का मतलब पॉजिटिव इसमें होल्स की संख्या अधिक होती है पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का मेजोरिटी होता है तो इसे पी टाइप सेमी कंडक्टर कहा जाता है और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से मैंने यहाँ सिमिलरिटी है पी को पी से पॉजिटिव से और एन को एन से मतलब निगेटिव टर्मिनल से और ऐसा कनेक्शन किया जाता है इसको ये फॉरवर्ड वायसिंग हो गया और ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से इसे फॉरवर्ड वायसिंग पी इंजंक्शन डाइवर्ट का कहा जाएगा और ऐसा कहा जाता है और ऐसा करने से क्या होगा कि पी टाइप के होल्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चूँकि कनेक्टेड है तो इसके द्वारा पॉजिटिव पॉजिटिव सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है तो पी टाइप के होल्स ये रिपेल होकर के जंक्शन की तरफ पार करेंगे जाएंगे और जंक्शन की तरफ मूव करेगा और मूव करने से जब जंक्शन को ये पार कर जाएंगे और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स भी बैटरी के बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से चूँकि इन साइड कनेक्टेड है पी पी एन जंक्सन डाइट का एन सिरा इन साइड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसलिए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल्स के द्वारा जो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन्स है माइजोरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स होता है बहुसंख्यक वाहक आवेश वाहक एन टाइप सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जबकि बहुसंख्यक वाहक माइजरिटी चार्ज करियर्स पी पी टाइप सेमी कंडक्टर में होल्स होते हैं होल्स इज द वैकेंसी क्रिएटेड बाई इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करेगा तो अब एन साइड का जो इलेक्ट्रॉन है पी जंक्शन डायोड का वह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के द्वारा रिपेल होकर के ये भी जंक्शन की तरफ चलेगा मूव करेगा और मूव करने के बाद ये जंक्शन को पार कर जाएगा तो इस प्रकार पी टाइप का होल्स पी टाइप पी टाइप सेमी का होल पी एन जंक्शन डायोड के पी टाइप का या पी साइड का होल्स वह जो कि चार्ज कैरियर्स है मैजिटी चार्ज कैरियर्स वह एन साइड में इंटर कर गया जबकि एन साइड के होल्स वह इंटर कर गए पी साइड में तो इस प्रकार अब डिप्रेशन लेयर का विरथ जो है का वर्थ जो है डिप्रेशन लेयर है वो काफ़ी काफ़ी कम हो जाएगा और वृथ कम होने से और पोटेंशियल बैरियर भी जो है जंक्शन पर जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ है वह बैरियर भी पहले की अपेक्षा जो अनबायस्ड पी एन जंक्शन डायोड है उसकी अपेक्षा ये पोटेंशियल बैरियर भी ये पोटेंशियल बैरियर भी घट जाएगा और इस प्रकार मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या है पी एन जंक्शन पर डिप्लेशन लेयर के कारण पी एन जंक्शन पर जो डिप्लेशन इमोबाइल चार्ज करियर्स दोनों साइड में मतलब पी साइड में जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन्स का एक थिन लेयर जमा हो जाता है और फिर इन साइड में जंक्शन के पार इन साइड में होल्स का एक थिन लेयर जमा हो जाता है जो कि मूव नहीं कर सकते हैं ई मोबाइल चार्ज कैरियर से फर्दर जो होल्स आएंगे उसको इन साइड में इन साइड में जंक्शन के पास जो होल्स है वह रिपेल कर देगा और फिर पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं उसको वो वे इलेक्ट्रॉन इन साइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देंगे तो इस प्रकार ये ई मोबाइल चार्ज कैरियर पी जंक्शन के क्रॉस एक स्मॉल रीजन में जिसका ब्रथ टेन टू पावर वन माइक्रो मीटर मतलब टेन टू पावर माइनस सिक्स मीटर के रेंज में होता है फॉर्मेशन हो जाता है फॉर्म हो जाता है पी जंक्शन के पास जिसको डिप्रेशन लेयर कहा जाता है और इस डिप्रेशन लेयर के कारण जंक्शन के दोनों तरफ एक पोटेंशियल डिफ्रेंस सेटअप हो जाता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होगा पॉजिटिव से निगेटिव तरफ एन साइड से पी साइड की तरफ और इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है पी एन जंक्शन पर उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है डेवलप हो जाता है जिसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है तो अनबायस्ड पोटेंशियल पी एन जंक्शन डायोड में जब कोई बायसिंग नहीं है जब कोई बैटरी से जोड़ा नहीं गया है पी एन जंक्शन डायोड के दोनों दोनों साइड्स को मेथली कॉन्टैक्ट्स को ए, तो उस सिचुएशन में जब बायसिंग नहीं है जब एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं है तो उसी से उस सिचुएशन में डिप्रेशन लेयर का वृथ भी बहुत ज़्यादा होता है और पोटेंशियल बैरियर का हाइट भी बहुत ज़्यादा होता है जिसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन का उतने इलेक्ट्रॉन और होल्स की उतनी एनर्जी नहीं होगी प्रोवाइड होगी जिससे कि वह जंक्शन को पार कर सकें तो इस प्रकार वैसे अनवाइस्ड पिए जंक्शन डायोड में जिसे वाइसिंग नहीं की गई है तो उसमें होल्स तथा इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर जब फॉरवर्ड फॉरवरवाइसिंग किया गया है तो डिप्रेशन लेयर की चौड़ाई काफ़ी घट गई और पोटेंशियल जो डिफ्रेंस या पोटेंशियल बैरियर जो सेटअप हुआ है जंक्शन पर उसका भी व्यर्थ उसका भी हाइट घट जाएगा और इस प्रकार अनबायस्ड पी एन जंक्शन डायविट की अपेक्षा और इस प्रकार इस प्रकार से ये वृथ भी घट गया पोटेंशियल बैरियर का और इस प्रकार से ये पोटेंशियल बैरियर का व्यथ भी घट गया इस प्रकार से yeah. पोटेंशियल वेरियर का व्यत काफ़ी घट गया पहले की अपेक्षा अनबायस्ड जब पी एन जंक्शन डायउट था उसकी अपेक्षा और इस प्रकार से ये पोटेंशियल वैरियर का व्यर्थ है जो कि अनवाइस्ट पीएन जंक्शन की अपेक्षा काफ़ी अनबायस्ड पी एन जंक्शन में काफ़ी ज़्यादा था पोटेंशियल जैसे मैंने पिछले ये वीडियो में पिछले पार्ट में डिस्कस किया था तो यहाँ पर पोटेंशियल वैरियर का भी व्यत ये व्यर्थ है पोटेंशियल वैरियर का पहले की अपेक्षा काफ़ी घट गया फॉरवर्ड वाइसिंग के केस में वी जीरो एविट्स काफ़ी घट गया डिप्लेशन लेयर भी पतला हो गया पहले की अपेक्षा जब अनबाइश था पी एन डायोड कोई वाइसिंग नहीं थी कोई पोटेंशियल डिफेंस बाहर से अप्लाई नहीं किया गया था उसकी अपेक्षा फॉरवर्ड वाइसिंग के, के केस में पी साइड के लिए होल्स जो कि पॉजिटिव पो, चार्ज के समान बिहेव करते हैं वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा रिपेल होकर के ये रिपेल होकर के देखिए इधर जंक्शन की तरफ मूव किया और इलेक्ट्रॉन्स भी इन साइड के इलेक्ट्रॉन्स भी बैटरी के जो बैटरी है यहाँ पर यहाँ बैटरी भी तो एक से अधिक सेल इसमें ज्वाइन किया गया है अधिक करंट के लिए तो आ, इन साइड के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल द्वारा रिपेल होकर के जंक्शन की तरफ जाएंगे और जंक्शन को पार कर जाएगा आ, इन साइड का होल्स पी से रीजन में और पी साइड का होल एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी आ, पी साइड में तथा पी साइड के होल्स इन साइड में और इस प्रकार एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा आ, अधिक मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज करंट फ्लो करेगा और एक प्रबल धारा प्राप्त होगी के केस के 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 में पी एन जंक्सन डायोड के अग्र अग्रविनती के केस में बाहरी परिपथ में और जिसका मैग्नीट्यूड मिली, मिली एम्पियर के रेंज में होता है मैग्नीट्यूड फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का मैग्नीट्यूड मिली एम्पियर के रेंज का के रेंज का होता है और इसे मिली एमीटर द्वारा मेजर किया जा सकता है मिली एमीटर यहाँ सर्किट में कनेक्टेड है तो ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है फिगर टू वन के बाद वन पी एन जंक्सन डायोड में ये फिगर टू फिगर टू ए हो गया और ये फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पी एन डायोड डायवड फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पी एन डायोड, डायवड पी एन जंक्शन तो नहीं, नाउ राइट राइट डाउन वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया फॉरवर्ड बाइसिंग को लेकिन इसे आप नोट भी कर लें इफ इसके मैकेनिज्म को इसके प्रोसेस को कैसे किया जाता है इफ पी टाइप एन एन टाइप और पी एन जंक्शन डायउ पी साइड एन एन साइड मेटली कॉन्टेक्ट है यहाँ बना हुआ पी साइड एन एन साइड एन साइड ऑफ ए पी एन जंक्शन पी साइड साइड एंड एन साइड आर कनेक्टेड कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड टू डी सी बैटरी से जो पॉजिटिव है पी साइट को जोड़ा जाएगा पॉजिटिव 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 एंड निगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी रेस्पेक्टिवलीफ पी साइट एंड एन साइट ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड वैसिंग मतलब यहाँ से एक्सटर्नल इलेक्ट्री फील्ड पी एन जंक्शन के क्रॉस अप्लाई किया गया है बैटरी डी सी बैटरी जोड़ करके और पी साइड को जोड़ा गया है पी एन जंक्सन डायोड के पी साइड को जोड़ा गया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब पी एन साइड को जोड़ा गया है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से तो इस अरेंजमेंट को इस इस प्रोसेस को पी एन जंक्सन ये फॉरवर्ड वायसिंग ऑफ पी जंक्शन डायोड कहा जाता है या पी जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड वाइस कहा जाता है ओके बैटरी इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड वाइसिंग इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड वायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग हिंदी में इसे अग्र अभिनति कहा जाता है फॉरवर्ड वायसिंग ऑफ पी एन डायोड पीएन पी एन डायोड नाउ रिवर्स वाइसिंग नाउ सेकेंड टाइप ऑफ वाइसिंग इन पी एन जंक्सन डायोड इज कॉल्ड रिवर्स वाइसिंग डैट इज पी एन जंक्सन डायोड अंडर रिवर्स बायस पी एन संथी डायोड की पश्च्य अभिनति हिंदी में रिवर्स बाइसिंग को पश्च्य अभिनती कहा जाता है वाट इज रिवर्स वाइसिंग इफ पी साइट एंड एनसाइट ऑफ ए पी एन जक्शन डायोड आर कनेक्टेड टू निगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ए डी सी बैटरी रेस्पेक्टिवली इट इज कॉल्ड रिवर्स वाइसिंग जब किसी पी एन संथी डायोड के पी सिरे को तथा इन सिरे को पी साइट को तथा इन साइट को किसी डीसी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल रिंद तथा तो इन साइट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इस प्रोसेस को पीएन संधि डायोड के का रिवर्स वाइसिंग पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनति कहा जाता है और ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से यह होगा कि पी एन पी एन जंक्शन पर पी एन संधि पर पी एन संधि डायोड के पी एन जंक्शन पर जो डिप्लेशन लेयर है और छह परत इमोबाइल चार्ज कैरियर्स पी एन के दोनों साइड में फोर्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के जो लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं इमोबाइल इमोबाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकते उसी को डिप्लेशन लेयर कहा जाता है तो रिवर्स वाइसिंग के के केस में डिप्लेशन लेयर का थिकनेस और बढ़ जाएगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस डिप्लेशन लेयर के कारण पी एन जंक्शन पर प्रोड्यूस होता है उसका हाइट और बढ़ जाएगा मतलब उसका वैल्यू और बढ़ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का तो उसके कारण पीएन पी एन जंक्शन डायोड के पी साइड के होल्स तथा इन साइड के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के निगेटिव टर्मिनल्स टर्मिनल तथा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे और इस प्रकार पी साइड के होल्स तथा इन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी एन जंक्शन से दूर चले जाते हैं और वैसे इसके कारण डिप्लेशन लेयर पी एन जंक्शन पर जो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है उसकी चौड़ाई वर्थ बढ़ जाती है पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन लेयर के कारण प्रोड्यूस होता है उसका भी हाइट बढ़ जाएगा और लगभग बाहरी परिपथ में एक्सटर्नल सर्किट में निग्लिजल करंट या लीकेज करंट फ्लो करेगा कुछ फर्म कुछ थर्मली एक्साइटेड चार्ज कैरियर्स जो जंक्शन को पार कर जाएंगे वो वे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है तथा इन साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर में मैजिटी माइनॉटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं पी साइड सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा इन इन टाइप सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं तो कुछ माइनरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे के अपोजिट रीजन में थर्मल एजिटेशन के कारण तापी विक्षोभ के कारण पास करने में पी संधि को पी जंक्शन को क्रॉस करने में सफल हो जाते हैं और उसके कारण रिवर्स वायरसिंग के, के केस में कुछ लीकेज करंट करेंट धारा प्रवाहित होती है जब निगेटिव वोल्टेज का वैल्यू रिवर्स वायरसिंग का मतलब निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना तो निगेटिव वोल्टेज का वैल्यू जब कम होता है तो उस सिचुएशन में लीकेज करंट फ्लो कर सकता है जंक्शन डायोड में लेकिन जब वोल्टेज का मान एक पार्टिकुलर निगेटिव वैल्यू जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज भंजन वोल्टेज कहा जाता है वहाँ तक पहुँच जाता है निगेटिव वोल्टेज का वैल्यू अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुँचा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में पी जंक्शन पर कोवैलेंट बाउंड्स ब्रेक कर जाते हैं जो ससंयोजक बंधन कोवैलेंट बाउंडस होते हैं पी एन पर तो वे ब्रेक कर जाते हैं और उसके कारण लार्ज नंबर लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोड्यूस होते हैं और उसके कारण जो करंट है रिवर्स वाइसिंग के, के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज पर तो वो करंट का मान अचानक से काफ़ी बढ़ जाता है तो जिस निगेटिव वोल्टेज पर करंट का वैल्यू अचानक से बढ़ जाता है लार्ज नंबर्स में होल्स इलेक्ट्रॉन पेयर के जनरेट होने के कारण डेवलप प्रोड्यूस होने के कारण तो उस वोल्टेज को उस नेगेटिव वोल्टेज को भंजन वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है जिसे वी आई में पी एन डायोड के रिवर्स वाइसिंग के केस के के में पश्च अभिनति के केस के में जो वोल्टेज करंट का वेरिएशन वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसे वी आई कहा जाता है वोल्टेज धारा अभिलक्षण तो उसमें दर्शाया जा दर्शाया जा सकता है लेकिन उसके पहले रिवर्स वायस रिवर्स बाएस, पी पीएन जंक्शन डायोड अंदर रिवर्स वायस उसके सर्किट को मैं स्केच करता हूँ पी एन जंक्शन डायोड लेफ्ट साइड में पी टाइप है इनसाइड और मेटली कांटेक्ट प्रोवाइड किया गया है धात्विक संपर्क दोनों साइड को पी साइड को तथा इन साइड को ये दोनों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मेटली कांटेक्ट है जिससे कि इसे बैटरी से जोड़ा जा सके अब यहाँ बैटरी के जोड़ने का डीसी बैटरी से पी साइड को जोड़ा जाएगा निगेटिव टर्मिनल से ये निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया एक से अधिक बैटरी यूज करने पर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ये स्मॉल लाइन वर्टिकल लाइन निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और जो बिग वर्टिकल लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को और यहाँ पर करंट का वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होता है जिसे माइक्रो एमीटर द्वारा म्यूए मेजर किया जा सकता है रिवर्स वाइसिंग में के केस में करंट माइक्रो एम एम्पियर का होता है मैंने टेन टू पावर माइनस सिक्स मीटर मैग्नीट्यूड का टेन टू पावर माइनस सिक्स एम्पियर अगर डिस्टेंस मेजर करना हो माइक्रो में तो मीटर में होगा टेन टू पावर माइनस सिक्स मीटर एक माइक्रो मीटर और यहाँ एक माइक्रो एम्पियर डैट इज टेन टू पावर माइनस सिक्स एम्पियर मतलब एक एम्पियर का टेन टू पावर सिक्स पार्ट टेन लाख पार्ट हो गया एक माइक्रो एम्पियर एक एम्पियर का तो अब यहाँ पर पी साइड में होल्स होंगे यहाँ पी साइड में होल्स और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स पी एन जंक्शन के जो डिप्लेसन लेयर है उसका भी बढ़ेगा चूँकि पी साइड के होल्स बैटरी के निगेटिव टर्मिनल द्वारा से कनेक्टेड है पी साइड रिवर्स पैसिंग में तो ये होल्स जंक्शन से दूर चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन से दूर मतलब पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा तो जंक्शन से दूर मूव करेंगे टाइप पी, पी साइड के होल्स जंक्शन से दूर और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन से दूर तो इस प्रकार जो डिप्लेशन लेयर है उसका विथ और बढ़ जाएगा डिप्लेशन लेयर जो बीच में पी एन जंक्सन ये पी एन जंक्शन है बीच में और उसके साइड दोनों साइड में इधर एन साइड में होल्स होल और पी साइड में इलेक्ट्रॉन जमा होता है तो इसका वर्थ और बढ़ गया डिप्लेशन लेयर का और इस प्रकार लगभग निगलिजिबुल करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा चूंकि केवल कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से थर्मल एजिटेशन के कारण पी जंक्शन को पार कर जाएंगे पी साइड पी साइड से इन साइड में और इन साइड से पी साइड में माइनरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स माइनरिटी चार्ज कैरियर होते हैं जबकि एन साइड में होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं तो वे जो, वे जंक्शन को पार करेंगे इसके कारण एक्टर्नल सर्किट में लीकेज करंट फ्लो करेगा और उस लीकेज करंट को हम वी आई करेक्टरिस्टिक्स में दिखाया जा सकता है ये देखिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स पी एन डायोड का ये तो फिगर रिवर्स बायसिंग का है फिगर टू बी रिवर्स बायसिंग ऑफ पी एन डायोड रिवर्स बायसिंग ऑफ इसे हिंदी में अभिनति कहा जाता है ऑफ पी एन ऑफ ए पी एन जक्सन और अब वी आई करैक्ट्रिस को दिखाया जा सकता है वोल्टेज और वोल्टेज का वोल्टेज के साथ पी एन जंक्सन में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड वायसिंग और रिवर्स वाइसिंग में तो उस वोल्टेज को अप्लाई करने के कारण पॉजिटिव तथा निगेटिव वोल्टेज पी एन जंक्सन के क्रॉस अप्लाई किया जाता है रिवर्स वाइसिंग में निगेटिव वोल्टेज और फॉरवर्ड वायसिंग में पॉजिटिव वोल्टेज तो उसके कारण जो करंट फ्लो करता है पी एन जंक्सन डायविड के सर्किट में एक्सटर्नल सर्किट में तो उसका Uh, कैसे वेरिएशन होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होगा वोल्टेज तथा करंट के बीच में उसे वी आई करेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज धारा हिंदी में वोल्टेज धारा अभिलक्षण कहा जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफी एन जंक्शन डायोड विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ करंट विद द अप्लाइड पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज दैट इज अप्लाइड फॉरवर्ड एंड रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द मेटली कॉन्टेक्ट ऑफ injection diode. So, now write down before doing, before plotting uh, VI characteristics, write down if uh, what is P injection diode and the reverse bias or reverse biasing of P injection diode. If P uh, e side and N side of a P injection diode of a पीएन जंक्सन डायोड आर कनेक्टेड टू कनेक्टेड टू पॉजिटिव कनेक्टेड टू सॉरी नेगेटिव पी साइड को नेगेटिव से यहाँ कनेक्ट किया गया है पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से दिस इज बैट्री भी कनेक्टेड टू नेगेटिव And positive terminals of a battery, respectively, so that so that holes of p sides, holes of p side, and electrons of n side, and electrons of n, side, yeah, n type semiconductor of inside of p injection diode of n side are attracted towards negative and positive terminals uh, of the battery. that is, uh, both holes and Electrons are moved away from the p-n junction. Are moved away from the junction. That is p-n junction. It is called reverse biasing. And in this reverse biasing, in reverse biasing.

in the due to minority charge carriers in the external circuit external circuit due to minority minority charge carriers which are able to cross junction into opposite regions charge carriers

of PN junction diode. PN junction diode. But at a particular negative voltage, which is called breakdown voltage. But at the breakdown voltage, which is the negative particular particular negative voltage. जब नेगेटिव वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दिया जाए एक पार्टिकुलर वोल्टेज आएगा होगा जिस पर कि पीएन junction के पीएन junction के नजदीक में नियर द पियन जंक्शन बॉन्ड्स आर कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकेन एंड लार्ज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सोफवेयर्स आर जनरेटेड टू प्रोड्यूस वेरी लार्ज करेंट सडेन सडेन इंक्रीज इन करेंट इन द एक्टर्नल सर्किट बट एट द ब्रेक डाउन वोल्टेज नेट इज पार्टिकुलर निगेटिव वोल्टेजेज निगेटिव वोल्टेज के वैल्यू बढ़ाया जाए एक खास वैल्यू पर बट एट द ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज होने पर इसे पीएन जंक्शन डाउड का ब्रेकडाउन कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज को वायलेंट बॉन्ड्स को वायलेंट बॉन्ड्स नियर द जंक्शन पीएन जंक्शन नियर पी एन जंक्शन Are broken, and a large number of electron-hole pairs are generated, produced, generated, and current. There is sudden increase in current, which is reverse current. Are broken, and large numbers of large number of electron-hole pairs are generated. Electron पेयर आर जेनरेटेड लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर आर जेनरेटेड टू सडन इंक्रीज इन करेंट इन रिवर्स डायरेक्शन डेट इज रिवर्स करेंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट ड्यूरिंग रिवर्स वायसिंग एट ब्रेक डाउन वोल्टेज दैट पार्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज वे आर रिवर्स करेंट फ्लोज इन द सर्किट एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज बट एट द ब्रेक डाउन वोल्टेज कोवेलेंट बॉन्ड्स नियर पी एन जंक्शन आर ब्रोकन एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स इलेक्ट्रॉन हो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एलेक्ट्रॉन होल पेयर्स are generated generated to produce sudden increase sudden increase in current in reverse direction which can be represented in bi graph now in last we can now bi graph that is variation of वेरिएशन ऑफ करेंट अंडर द अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज ए क्रॉस पी एंजक्शन डायोड, वी ऑप्टेन ग्राफ ऑप्टेन कर्व्स विच इज कॉल्ड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है डायग्राम से ये वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज प्लस एक्सेसिस के लॉन्ग के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है वी आई में और निगेटिव वोल्टेज रिप्रेजेंट किया गया है एक्स एक्सेसिस के लॉन्ग इधर फॉरवर्ड वोल्टेज है प्लस वोल्टेज भी फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज और इधर माइनस भी रिवर्स वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज ऊपर फॉरवर्ड करंट होगा वाई एक्सिस के लूँ प्लस वाई एक्सिस के लूँ फॉरवर्ड करंट जिसका मैग्नीट्यूड मिली एम्पियर में होगा ये आई हो गया सो इट वी आई करेक्टरिस्टिक्स या वी आई ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ करंट विथ अप्लाइड पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव वोल्टेज एक्रॉस पी जंक्शन डायोड और अलॉन्ग वाई डायरेक्शन वी कैन रिप्रेजेंट माइनस वाई डायरेक्शन वी कैन रिप्रेजेंट रिवर्स करेंट नेट इज आई इन मैग्नीट्यूड इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर ये पॉजिटिव वोल्टेज इज Um, increased that is forward voltage is applied across p-n junction then initially at the at the beginning if the voltage applied voltage forward voltage is small then there is very a small increase in current nearly very close to the voltage axis but at the knee voltage a particular voltage at which after knee voltage वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज दैन करंट एट नी वोल्टेज करंट इन पी जंक्शन डावोड टू इंक्रीज असटार्ट टू इंक्रीज नी वोल्टेज वह वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर जिस वोल्टेज पर पी जंक्शन डायवड में करंट का वैल्यू इंक्रीज करना शुरू करता है दिस इज़ नी वोल्टेज लेकिन नी वोल्टेज के पहले वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करेगा बहुत नियरली वोल्टेज एक्सेस से एकदम uh, काफ़ी क्लोज लेकिन उसके बाद नी वोल्टेज के बाद करंट अचानक इंक्रीज करेगा और नी वोल्टेज का वैल्यू 0.2 पॉइंट वोल्ट से 0.7 पॉइंट वोल्ट तक हो सकता है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज का वैल्यू 0.2 पॉइंट वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए नी वोल्टेज का वैल्यू 0.7 पॉइंट वोल्ट होता है तो 0.2 पॉइंट वोल्ट से नी वोल्टेज 0.7 पॉइंट वोल्टेज तक वैरी कर सकता है और यही वोल्टेज नी वोल्टेज है जहाँ से करंट जिस वोल्टेज पर करंट पी इंजक्शन डाउड में इंक्रीज किया करना शुरू होता है दैट वोल्टेज इन नी वोल्टेज लेकिन उसके पहले वोल्टेज बढ़ा नी वोल्टेज के पहले वोल्टेज बढ़ाने पर करंट तो बढ़ता है लेकिन काफ़ी स्मॉल इंक्रीज करंट का वैल्यू काफ़ी उतना इंक्रीज नहीं होता है माना स्मॉल करंट ही होता है नी वोल्टेज के पहले लेकिन नी वोल्टेज के बाद यहाँ पर नी वोल्टेज है उसके बाद वोल्टेज और बढ़ाने पर पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाने पर करंट इंक्रीज करता है और लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो मिली पियर में होगा उसको मेजर किया जाएगा अब चलें निगेटिव रिवर्स वोल्टेज में क्या स्थिति है रिवर्स वोल्टेज में अगर वोल्टेज का वैल्यू पहले काफ़ी कम रखा जाए निगेटिव वोल्टेज का वैल्यू कम रखा जाए तो जैसा कि रिवर्स वोल्टे वायस के, के केस में हमने देखा कि पी एन रिवर्स वायस के केस में पी एन जंक्शन डायोड के पी साइड तथा एन साइड के होल्स तथा इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर चले जाते हैं और इस प्रकार डिप्लेशन लेयर का व्यस्त बढ़ जाता है और पोटेंशियल डिफेंस का हाइट भी बढ़ जाता है मतलब पोटेंशियल डिफेंस का वैल्यू भी पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाता है और वैसी स्थिति में बहुत ही निग्लिजिबल करंट ओनली लीकेज करंट फ्लो करता है जो कि माइनोर्टी चार्ज कैरियर्स के जंक् पी एन पी साइड से इन साइड में और इन साइड से पी साइड में जंक्शन को क्रॉस करने के कारण होता है तो लीकेज करंट को हम दिखा सकते हैं कम वोल्टेज पर देखिए लीकेज करंट को डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाया गया है यहाँ लीकेज करंट डॉटेड लाइन से लीकेज करंट को रिप्रेजेंट किया गया है रिवर्स वाइज के केस के में निगेटिव वोल्टेज के केस में लेकिन अगर निगेटिव वोल्टेज का वैल्यू एक पार्टिकुलर वैल्यू के ऊपर बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर कि ब्रेकडाउन वोल्टेज और वहाँ से काफ़ी अधिक संख्या में पीएन जंक्शन के पास पीएन जंक्शन के नज़दीक जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे वे ब्रेक कर जाते हैं और काफ़ी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन सोल्स का पेयर जनरेट होता है और उसके कारण सडन इंक्रीज इन करंट होता है रिवर्स डायरेक्शन में अब यहाँ देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज है ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ उसके पहले लीकेज करंट है जिसे डॉटेड से दिखाया डॉटेड लाइन से दिखाया गया है लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज निगेटिव वोल्टेज का एक पार्टिकुलर वैल्यू है जब निगेटिव वोल्टेज का वैल्यू और बढ़ाया जाएगा पी एन जंक्शन के क्रॉस तो वैसी स्थिति में काफ़ी जो पी एन जंक्शन पी एन जंक्सन के पास जो कोवैलेंट को बॉन्ड्स होंगे वे ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करने के कारण लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन सोर्स पेयर प्रोड्यूस होता है और उसके कारण अब सडन इंक्रीज इन करंट अब यहाँ देखिए लीकेज करंट यहाँ तक है अब ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बी से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ से अब देखिए करंट अचानक करंट देखिए रिवर्स डायरेक्शन में करंट अचानक सडन इंक्रीज इन करंट बट इन रिवर्स डायरेक्शन ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पर तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के केस में पॉजिटिव वोल्टेज पर ये अथी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है दिस कर्व जो नी वोल्टेज के बाद अचानक वोल्टेज नी वोल्टेज के बाद फॉरवर्ड वोल्टेज के केस में नी वोल्टेज के बाद वोल्टेज इंक्रीज़ किया फॉरवर्ड बायस के केस में जिसे मिली एमपियर मैग्नीट्यूड का करंट मेजर किया जाएगा और रिवर्स बायस के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज के पहले तक तो लीकेज करंट निकलेजुल करंट फ्लो किया लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज पर के बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज पर काफ़ी अचानक जो है इलेक्ट्रॉन सोल्स पेयर जनरेट होने के कारण कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के कारण लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन सोल्स पेयर जनरेट होते हैं उसके कारण अचानक करंट इंक्रीज किया रिवर्स डायरेक्शन में मतलब रिवर्स करंट फ्लो किया तो ये वी आई दिस इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज फिगर थ्री वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी जंक्शन डायोड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इसे वी आई ग्राफ कहें या वी आई कैरेक्टरिस्टिक कहें जो कि वोल्टेज के साथ पॉजिटिव और वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज के साथ करंट के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स 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 ऑफ पी एन जंक्सन डायोड, पी एन जंक्सन डायवड जिसको फिगर थ्री में रिप्रेजेंट किया गया है फॉरवर्ड वायरस के केस में फॉरवर्ड वोल्टेज के केस में और रिवर्स वोल्टेज के केस में दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ करेंट विथ अप्प्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज दट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पी एन जंक्सन डायवोड इज कॉल्ड वी आई और वी आई ग्राफ और पी एन और इसी के साथ इसी वी आई करेक्ट्रिस्ट्री के साथ ये पार्ट फोर समाप्त होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्टी इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थैंक यू वेरी मच